give possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles. Okay, whose areas are given? So rectangle का area length into width ही होता है. तो मुझे क्या है कि एक को मैं करूँगा simple factorize करना है ऐसे. ठीक है, 25 a square आ रहा है, इसको मैं लिख देता हूँ 25 माइनस, इसके कुछ फैक्टर आ रहे हैं क्या? 25 और 35 आ रहा है, 35 सॉक्स. तो 35 यहां से इसके अगर मैं फैक्टर करना चाहूँ तो फैक्टर मेरे पास कितने आएंगे? 25 a स्क्वायर है माइनस 35 a, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? प्लस 12 है. ठीक है, तो सम ऑफ रूट मेरे पास 35 आना चाहिए. तो 35 सम कब आएगा? 25 और 10 नहीं आएगा, सम 15 और 20. तो इसको मैंने क्या कर दिया? 25 a स्क्वायर माइनस 20 a माइनस 15 a कर दिया. फैक्टराइज कर रहा हूँ सिंपल, देखता हूँ कुछ फायदा होता है. तो ध्यान से देखिए, 5 a कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा? 5 a माइनस 4 बचा भाई. यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया तो 5 a माइनस 4 हो गया काम. तो देखिए इसके फैक्टर आ गए 5a माइनस 4 इंटू 5a माइनस 3. तो ये फैक्टर ही निकालने थे. फैक्टर को पूछने का ये एक अलग तरीका है, फैक्टर को पूछने का ये अलग तरीका है. तो ये मेरे पास लेंथ हो सकती है. रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल में अगर ये लेंथ है, L1 L है, ये B है, तो LB एरिया होता है. आइदर ये L हो सकता है, ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है, ये L हो सकता है, या पूरा लाइक L हो सकता है, 1B हो सकता है, 1B हो सकता है, 1L हो सकता है. ये पॉसिबिलिटीज हैं. ओके, सेकंड वन ऐसे ही आप अपने आप करेंगे. मुझे लगता है क्योंकि एरिया जो होता है, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ ही होता है, तो ये पूरा का पूरा ये भी लेंथ हो सकता है, ब्रेथ हो सकता है, 1 के साथ सेकंड वन हो जाए. या फैक्टराइज में बात करूँ तो ये लेंथ हो सकती है, ये ब्रेथ हो सकती है. तो सिंपल प्रॉब्लम है, ओनली फैक्टराइजेशन को पूछने का ये अलग तरीका है. और मुझे लगता है ये तरीका समझ में आ गया. Okay.